गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज है संडे और अभी हम नहा के आ गए हैं बाल बाल धुल के, क्योंकि तो आज संडे है तो बाल धुलना है, टॉवल डालना है। अब देखते हैं अभी कोई आए तो दे टॉवल डालने के लिए बाहर। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ने होली की कितनी तैयारी कर ली? यहाँ तो अभी कुछ नहीं हुआ, आज हम करेंगे जो करना है। और ये मेरा रूम है, जो कि ये मेरा बेड है। और अभी तो हम बैठे हैं, मम्मी कर रही हैं पूजा और हम देख रहे हैं, पापा मम्मी दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। तो मम्मी पूजा करके आती हैं तब चलते हैं, चाय बनाते हैं। और क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो आ गए अपने ससुराल, जो कि आज है दूसरा दिन और कल है होली मंडे को। और देखते हैं फिर होली के बाद एक दिन रुकेंगे, हस्बैंड जी चले जाएंगे मंगलवार को, क्योंकि उनके खुला है ऑफिस तो उनको भी छुट्टी भी नहीं मिली है। तो खाली संडे, सैटरडे संडे मंडे छुट्टी थी तो वो रुके थे, रुकेंगे और चले जाएंगे फिर। तो फिर हम और दो बच्चे दोनों साथ में तब जाएंगे। तो अभी तो बैठे हुए हैं, यहाँ छिपकली बहुत है, बहुत ज़्यादा छिपकली है। तो देखिए इसीलिए मोर पंख रखा जाता है, कि छिपकली बोलते हैं कि मोर पंख से नहीं आती। आप लोग बताइएगा कि किस चीज से छिपकली नहीं आती है तो वो किया जाए। बहुत छिपकली हैं, बहुत ही, जो कि यहाँ बेड पे टहलती हैं, इतनी छिपकली हैं तो डर लगता है छिपकली से। हमको तो बहुत डर लगता है, हमारी नींद नहीं आती अगर हम छिपकली देख लें कमरे में तो इसलिए हमारे तो कमरे में बहुत छिपकली हैं। अभी खिड़की खोलते हैं तो उसमें भी, वहाँ पे भी रहेगी ज़रूर, एक ना एक तो छिपकली रहती ही है। तो इसलिए हम खिड़की नहीं जल्दी खोलते। अभी सुबह खोले हुए थे तो एक छिपकली थी, और तो अक्सर ही देखते हैं छिपकली, चाहे इसमें समय एक में रहती है ज़रूर। देखते हैं आपको दिखाते हैं, ये देखिए, देखें है नहीं? नहीं आप लोग नहीं देखे ना, आप लोग को भी दिखाते हैं हम। ये देखिए यहाँ है, इसीलिए हम बंद कर देते हैं, खिड़की खोलते ही नहीं जल्दी, जो कि बहुत ज़्यादा ही छिपली है यहाँ पे। और चल रहा है, पापा चलाते हैं सुबह सुबह यहाँ पे भजन, तो भजन चल रहा है। और अभी हम तो अपने रूम में टहल रहे हैं, दो दिन के लिए आते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है गांव में, अच्छा लगता है। किसको किसको गांव में अच्छा लगता है, हमको तो भाई अच्छा लगता है, लेकिन तो क्या करें, छुट्टी नहीं मिलती, बच्चों की छुट्टी नहीं रहती, फिर उस हस्बैंड की छुट्टी नहीं रहती, तो इसलिए नहीं आ पाते ज़्यादा। तो इसीलिए अभी तो हम टहल रहे हैं और चलते हैं। जग रखा है, गिलास किचन में रखते हैं। देखिए पापा मम्मी दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। ये आज यहाँ धूप नहीं निकली हुई है, आज मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये हमारे आगे का, अब वो हमारा पुराना वाला घर है, सामने जो दिख रहा है उधर मेरे छोटे वाले बाबा का घर है, और इधर बड़े वाले बाबा का बगल में, और ये हमारा घर है। अभी बाहर खड़े हैं, यहाँ पे होता है, जानते ही हैं गाँव में पल्ला होता है। तो अभी हम खड़े थे बाहर, तो चलते हैं। अभी बाहर गए हुए थे तो यहाँ पे होता है घूंघट, तो जो कि करना पड़ता है, सब लोग करते हैं। तो हमारा तो दिमाग छिपकली पे ही लगा है, देख रहे हैं घूम घूम के। तो अभी चलिए, बाद मिलते हैं आप लोग से कुछ देर बाद, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जा रहे हैं पीछे धनिया लाने, आप लोग को दिखाते हैं अभी। जा रहे हैं पीछे धनिया लाने,
आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ का पापा जो लगाए हुए हैं खेत, छोटा सा। देखिए हमारे पीछे ही थोड़ा सा जगह है जो कि पापा देखिए वो भी लगाए हुए हैं, ये देखिए वहाँ तक, ये यहाँ पे। तो हम आए हुए हैं धनिया लेने, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ धनिया। देखिए ये नींबू है, देखिए नींबू भरा हुआ है, छोटा छोटा है, आप लोग को दिखाएं नींबू कहाँ है। ये देखिए, ये देखिए नींबू भरा है। इधर आए हुए हैं धनिया लेने, तो ये देखिए धनिया लगी हुई है जो कि पापा लगाए हुए हैं। तो चलिए तोड़ के तब मिलते हैं आपसे। देखिए हम तोड़ रहे हैं धनिया, ये देखिए। और ये घर की धनिया खाने में ही स्वाद ही रहता है अलग। और ये देखिए लगाया हुआ है प्याज, पापा ने लगाया है। इधर छोटा सा जगह है जो कि, और ये धनिया में खुशबू भी बहुत रहती है, बहुत अच्छी खुशबू रहती है और खाने में स्वाद भी रहता है। और वैसे तो मार्केट की धनिया देखिए तो इतनी अच्छी महकती भी नहीं है। देखिए हाँ। हम जा रहे हैं गुजिया बनाने, ये देखिए मैदा लगा के रख दिए हैं, चलते हैं बनाते हैं गुजिया। इधर हम बैठे हैं, इधर बिटिया रानी बैठी हैं, इधर बैठे हैं बाबू मेरे, वो भी गुजिया बनवाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं गुजिया बनाने, आप लोग बना चुके कि नहीं? अभी तो आज तो सब लोग बना चुके होंगे। देखिए गाइस हम लोग गुजिया बनाने लगे, ये देखिए अभी शुरू हो गया, हम बेल रहे हैं, ये लोग भर रहे हैं, मम्मी चकई बना रही हैं, ये देखिए। और आप लोगों को गुजिया हम दिखा रहे हैं, देखिए गुजिया बन रही है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से गुजिया बनाने के बाद, आप लोग बना रहे हैं कि नहीं आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। गाइस देखिए गुजिया बन गई है, मम्मी बना रही हैं, तल रही हैं, ये देखिए अभी, ये देखिए कढ़ाई में जली हुई है, इतनी तल उठी है और उतना बन गया, इतना यहाँ बन के रखा हुआ है, अभी बन भी रहा है कुछ, अभी बाकी है। हटो यस, हमको बेलने दो, हटो। और हम यहाँ पे बेल रहे हैं, बिटिया रानी काट रही है बन के बना के। तो ज़्यादा लोग रहते हैं तो अच्छा रहता है, गुजिया बनने में आराम रहती है, नहीं तो गुजिया में बहुत टाइम लगता है। तो इधर देखिए अभी बैठ के लोग बना रहे हैं, देखिए नमक बारा बना रहे हैं, अभी बेल रहे हैं, अभी बन ही रहा है, बना रहे हैं, अभी तो बेल रहे थे। देखिए हाँ बैठे हुए हैं किचन में, ये मेरा किचन है, देखिए मम्मी तल रही है, बेल रहे हैं, बना रहे हैं। गाइस हम आ गए पुराने वाले घर पे, गाइस खाना हो चुका और गुजिया भी बन गई, खुरमा भी बन गया और नमक पारा भी बना लिए। अब कल का है दिन, आप लोग ने कितनी तैयारी की वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ने क्या क्या बनाया, और हम जो बनाए वो आप लोग को बता दे रहे हैं। और अब इस वीडियो का हम करते हैं यहीं एंड, और सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। और वीडियो को रखते हैं अब यहीं करते हैं एंड, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। और सबको फिर से बोल रहे हैं हैप्पी होली, रखते हैं गुड नाइट, बाय बाय।